Hello students, and welcome back to today's session. Students, इससे पहले जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के बारे में हमने बात की थी और वहीं पर जिक्र आया था कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए वन महोत्सव और बहुत सारे मूवमेंट्स चले थे जैसे चिपको मूवमेंट. आज मैं आपको उसके बारे में ही इन डिटेल पढ़ाऊंगी. ये आपके टॉपिक्स में आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो हुआ क्या था, पार्टिसिपेशन कैसे आई थी लोगों की फॉरेस्ट को कंजर्व करने में. 1731 में एक किंग था जोधपुर में, राजस्थान में. उसने मिनिस्टर्स को कहा कि लकड़ियां इकट्ठी करो ताकि एक नया पैलेस बनाया जा सके. तो सारे के सारे वर्कर्स ने क्या किया, वो विलेज में चले गए जो बिश्नोई में इनहेबिटेड था और उन्होंने वहां पे पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए. बिश्नोई कम्युनिटी जो थी वहां पे, बिश्नोई कम्युनिटी का मतलब है जो लोग उस बिश्नोई उस फॉरेस्ट लैंड के आगे पीछे रहते थे. वो इतने पीसफुल थे नेचर के साथ, वो को एग्जिस्टेंस में रहते थे नेचर के साथ. मतलब वो पेड़ों को सिर्फ सूखी लकड़ियों को काटा करते थे अपनी आग जलाने के लिए और जो वहां के फल फ्रूट्स होते थे उनको ही बेच के वो लोग अपना जितना भी उनकी कहते हैं इकोनॉमी जो जनरेट होती थी वो वहीं से होती थी. तो वो बहुत ही पीसफुल थे. तो एक बिश्नोई वुमेन थी अमृता देवी, उसने अपनी करेज दिखाई, उसने हिम्मत दिखाई और उसने जब वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो वुड कटर्स थे, जब वो काटने आए तो उन्होंने ट्रीज को हक करना स्टार्ट कर दिया. और जो किंग मैन थे जो वहां काटने आए थे तो पहले तो उनको लगा कि क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा. तो उन्होंने कहा उसको अपनी जिंदगी से ज्यादा ये ट्री मैटर करेगा, लेकिन उसे किया. और उसने ने और जैसे जैसे अमृता देवी ने वो किया और जितने भी तीन डॉटर्स थी उसकी और जितने 100 और बिश्नोई लोग थे वहां के सारे जो थे उन्होंने इसी तरह से काम करना स्टार्ट किया और अपने उनको हक करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरह से. और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये डरे नहीं और जितने भी लोग थे वो भी इसी तरह से वर्क करना स्टार्ट हो गए. वो हक कर लेते थे ट्रीज को इस तरह से जो मैं पिक्चर्स में दिखा रही हूँ. और फिर उन्होंने अपनी बहुत सब लोगों ने अपनी जान इसी दौरान गवा दी. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने इस चीज को ध्यान में रख के आज के टाइम पे अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड जनरेट किया है. ये उन लोगों के लिए होता है बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देयर वाइल्ड लाइफ. और इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहा गया, वाइल्ड हगिंग मूवमेंट भी कहा गया. रीजन यही था कि ये जो लोग थे वो उन्होंने हक करके रखा इसको. एज यू कैन सी उन्होंने सबने ट्रीज को हक किया हुआ है तो इसको चिपको मूवमेंट इसीलिए कहा गया. तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए, प्रोटेस्ट हुए जिसमें फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया था. और यहाँ चिपको आंदोलन जो रेज हुआ, ओरिजिनेट हुआ, वो हुआ था विलेज ऑफ गढ़वाल में. विलेजर्स ने यही किया था, दे यूज टू हग द फॉरेस्ट एंड प्रिवेंट किया उन्होंने कि वहां के जो ट्रीज है वो ना काटे जाए. तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड इस तरह से स्टार्ट हुआ था. लोकल पीपल ने उनको ट्रीज नहीं काटने दिए. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट जब डिस्ट्रक्ट होगा, जब वो कटेंगे तो सॉइल की क्वालिटी खराब होगी, वाटर के सोर्सेस खराब हो गए और जो हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वहां के जो लोकल पीपल थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को, उसे बचाया. और बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग द विलेजर्स, जो मैनेजमेंट थे उन्होंने वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट को कहा कि दे शुड नॉट डिग्रेड द रीजन. तो इस तरह से चिपको मूवमेंट जो है वो गढ़वाल एरिया में स्टार्ट हुआ था. आई होप आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड ये चिपको मूवमेंट इन डिटेल समझ आ गया है. नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ वाटर. बच्चे क्या यूजेस है वाटर के? हमें बहुत जगहों पे वाटर की जरूरत पड़ती है, ये बेसिक नेसेसिटी है. हमारी जो डे टू डे लाइफ की वर्किंग होती है वो पानी के बिना नहीं हो सकती. हमें एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में, रोड्स में, डैम्स में हमें पानी चाहिए होता है. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम हैबिटेट
वाटर नेचुरल हैबिटेट है फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। तो अगर वाटर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो वाटर है वो बहुत हद तक खराब हो रहा है, और इसे रोकने के लिए जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टर्म आप सुनेंगे दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें हम पानी को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं रेन वाटर को, ताकि हम उन्हें फ्यूचर यूज में यूज कर सके। बच्चे कॉमन लोकल पीपल भी ये चीज बहुत ज्यादा करते हैं, जो आउटलेट्स रहते हैं लोगों के घरों में जहां से रेन वाटर एक्सक्लूड हो रहा होता है बाहर की तरफ, लोग वहां पर बाल्टियां टम्बलर्स लगा के पानी को स्टोर करके रखते हैं। बेशक वो बाद में उस पानी को कार वॉशिंग के लिए यूज करें, किसी भी तरीके से यूज किया जाए, लेकिन वो उसको यूज करते हैं। कॉमन मेथड्स क्या है वाटर हार्वेस्टिंग के, आप पॉट्स पिट्स पॉन्ड्स लेक्स ये डिग कर लीजिए, छोटे छोटे डैम्स बना लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स। डाइक्स बच्चे आपने देखा होगा जो एक तरह से वो गांव के एरिया में भी जब हम फ्लावर्स वगैरह या गार्डनिंग करते हैं तो एक छोटी छोटी टाइप की ना बंचेस बना देते हैं, क्यारियां टाइप बना देते हैं कि ये चीज इसमें सिर्फ फ्लावर्स लगेंगे, इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स लगेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ डाइक्स जिसकी वजह से रेन वाटर भी जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में रुक जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ टॉप्स में, रूफ टॉप के यूनिट्स के साथ क्या किया जाता है, लोग कई बार अंडरग्राउंड टैंक्स भी बना लेते हैं और वो पाइपिंग कर देते हैं ताकि जब पानी आता है वो सारा अंडरग्राउंड टैंक्स में जो होता है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये इवेपोरेट नहीं होता जल्दी, ये रिचार्ज करता है वेल्स को। बच्चे आपने देखा होगा वेल्स के अंदर कोई पानी नहीं डालता, और जब आप कभी भी किसी जगह को डिग करना स्टार्ट करेंगे ना, डीप इन द साइड आपको वाटर मिलेगा, दैट वाटर इज ग्राउंड वाटर। बच्चे वो ग्राउंड वाटर कहाँ से भरता है, रेन वाटर से। जो रेन का पानी होता है वही डीप सॉइल में जाता 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 उस ग्राउंड वाटर में इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही ट्यूबवेल की मदद से हम वाटर को पंप करते हैं तो यही जो इंटरनली छोटे छोटे ब्लॉक्स में छोटे छोटे उसमें ग्राउंड वाटर रहता है वही बाहर की तरफ आ जाता है। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, ये पल्यूट नहीं होता जल्दी, और ये ब्रीडिंग ग्राउंड भी नहीं बनता फॉर मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाईज सॉरी हाउस फ्लाइज। तो इस तरह से भी हम वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस को काउंट कर सकते हैं। क्यों इतनी जल्दी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो वाटर है वो खत्म हो रहा है। रेन्स इंडिया में बच्चे मॉनसून्स में होती है, इसका मतलब है रेनफॉल एक फ्यू मंथ ऑफ ईयर तक ही रहती है। डिस्पाइट दिस के हम वाटर की अवेलेबिलिटी को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर। हमारा जो वेजिटेशन कवर है वो कहीं ना कहीं पर खराब हो गया, हम लोगों ने घर बनाने के लिए पेड़ काटे हैं जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा एरिया है वो डिग्रेड हो गया है। हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हम लोगों ने लेने स्टार्ट कर दिए हैं, अब पानी होते हुए भी जो डिमांडिंग क्रॉप्स है वो ज्यादा पानी लेते हैं, और ज्यादा पानी लेने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो जल्दी खत्म हो रहा है। पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रियल एरियाज और अर्बन वेस्ट से हो रहा है, इसकी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी हो रही है। बच्चे जहां मैं ये बात कर रही हूँ ना लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, इसका मतलब आपको पता है जब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की इवेपोरेशन के थ्रू ही क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और क्लाउड्स में से ही रेन फॉल होनी है। तो अगर पानी ही इवेपोरेट नहीं होगा थ्रू ट्रांसपायरेशन तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो इजिली नीचे नहीं आ पाता और रेनफॉल नहीं हो पाती। तो दीज आर द रीजंस। और एक रीजन ये भी था कि जब ब्रिटिश सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसने बहुत सारी चीजें चेंज की। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट आए जिनको हम डैम्स कहते हैं बच्चे, या कैनाल्स फॉर्मेशन हुई, और ये ब्रिटिश ने ही स्टार्ट की थी। मेगा प्रोजेक्ट्स जो थे उन्होंने ये नेगलेक्ट कर दिया, इनको मेगा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है डैम्स को। उन्होंने लोकल इरिगेशन मेथड को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि लोकल पीपल को किस तरह का मेथड चाहिए ताकि उनको पानी की अवेलेबिलिटी मिल सके, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज को ओवरकम नहीं किया, जिसकी वजह से जो लोकल वाटर सोर्सेज है लोकल पीपल के वो बिल्कुल डिग्रेड हो गए। डैम्स के अब जरूरी भी है बट वॉट डिसएडवांटेजेस भी है इसके, और एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है, इरिगेशन में यूज होता है,
ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए स्टार्ट होता है, ये वाटर सप्लाई करता है टाउन्स और सिटीज में, ये फ्लड्स को कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन। आप देखेंगे पिक्स में, आपने देखे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे रहती हैं, तो इस तरह से बहुत हद तक फ्लड्स को कंट्रोल करता है। लेकिन हाँ, रीजन भी है कहीं ना कहीं पे, जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस, सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है। आप देखिए इसको कितना एरिया चाहिए एक डैम को बनने के लिए, तो जितने भी लोकल पीपल होते हैं उन सबको वहां से मूव करवा दिया जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, और डिफॉरेस्ट्रेशन भी होती है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होती है। अगर आप लोग विजिट करते हैं उधमपुर कटरा वाली साइड, आप देखिए पूरे के पूरे माउंटेन्स जो है वो डिग्रेड कर दिए गए हैं और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना दी गई हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि जितने भी मंकीज हैं वो सब हैं, उन सबका जो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो बिल्कुल डिग्रेड हो गया। वो लोग रोड्स पे आ गए हैं जो कि उनका एक्चुअल प्लेस नहीं है। मंकीज कभी भी रोड्स पे नहीं रहते थे, दे ऑलवेज लिव ऑन ट्रीज, लेकिन वहां ट्रीज ही नहीं बचे हैं तो अब उन सबको कहाँ पे आना पड़ता है, रोड्स पे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वहां पे जितनी भी लिविंग स्पीशीज थी उन सबको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। आई होप आई एम क्लियर विद द थिंग्स, चिपको मूवमेंट, डैम्स, क्या एडवांटेजेस रहे वाटर के और क्या डिसएडवांटेजेस रहे हमारी वर्किंग, जो हम जिनकी वजह से हमने डिग्रेड किया है। थैंक यू।